बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बकरे के पाए स्पेशल रेसिपी, जो बनने में बहुत ही मज़ेदार होती है। ये बहुत कम घरों में बनता है, लेकिन जहाँ भी बनता है बहुत अच्छे मज़ेदार होते हैं। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को देख कर। चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मैंने 4 प्याज ली है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसको मैं गोल्डन ब्राउन करके निकाल लूँगी। इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, वरना सालन का रंग अच्छा नहीं होता और टेस्ट में भी वो हो जाता है, थोड़ा सा करवाहट आ जाती है। तो इसलिए मैं इसको लाइट ब्राउन करके निकाल लूँगी। ये देखें, हम लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इस प्याज को सब निकाल लेंगे। मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसकी बहुत अच्छी से खुशबू आ जाए इसके अंदर। हम जितना इसको भूनेंगे उतनी अच्छी इसमें खुशबू आती जाएगी। ये देखें, अब गुलाबी हो चुका है। इसके साथ ही मैंने 1.5 खाने के चम्मच जिसमें पिसी हुई लाल मिर्च ली है। डेढ़ चम्मच मैंने पिसा धनिया लिया है इसके अंदर। 1/2 चम्मच मैंने हल्दी ली है। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है इसके अंदर। और साबुत गरम मसाले लिए हैं मैंने इसमें। 4 से 5 लौंग लिए हैं, काली मिर्च ली है, दालचीनी ली है, 2 छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं मैंने, और 1 साबुत इलायची, बड़ी इलायची डाली है। इसको हम बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि मसाला दानेदार हो जाए हमारा। ये देख, मसाला बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। इसके अंदर ही मैं बकरी के पाए शामिल कर दूँगी। तो मैंने 6 पाए लिए हैं, मैंने बहुत अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया है। अब इस मसाले के साथ हम इसको भूनेंगे। तकरीबन हम इसको 10 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे, जिससे बहुत मज़ेदार बनते हैं अगर इस मसाले के साथ हम भूनेंगे। देखें, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं हमें इसे भूनते हुए। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह मसालों के साथ भून लिया है। अब हम इसके अंदर इतना पानी शामिल करेंगे जिसमें अच्छी तरह से गल जाएँ और दोबारा हमें पानी शामिल ना करना पड़े। ये देखें, मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। मैंने इसमें 1 लीटर के जितना या इससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है, जिसमें पाए बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे और इसी में फिर हम इतना रखेंगे कि उसका शोरबा बन जाए बहुत अच्छी तरह से। इसमें हम ढक्कन ढाक के 1 घंटे तक के लिए छोड़ देंगे। ये हल्की आँच पर 1 घंटे में तैयार हो जाएंगे। जब ये हाफ कुक हो जाएंगे, आधे पक जाएंगे, तो उसके बाद इसमें हम दही और प्याज का पेस्ट डालेंगे। अभी हम सिर्फ इसको चढ़ा के छोड़ देंगे। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पाए गले नहीं गले, क्योंकि इसको 1 घंटे से ज़्यादा ही हो चुका है गलते हुए। ये देखिए, हमारे पाए बहुत अच्छी तरह से गलकर तैयार हो चुके हैं। अभी पूरे तैयार नहीं हुए, आधे से ज़्यादा गल चुके हैं। इसमें मैंने 1 पाव दही में 4 प्याज मैंने फ्राई करके रखे हुए थे वो डाल के मैंने बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लिया, वो उसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी। अब इस मसाले के साथ हम इसको 1/2 घंटे के लिए और छोड़ देंगे हल्की आंच पर ढककर। इस जो पाए जो रह गई हल्की सी कसर, वो भी पूरी अच्छी तरह से गल जाएंगे और ये दही प्याज भी बहुत अच्छे से इसका सालन तैयार हो जाएगा। अब हम इस पर चेक करेंगे कि गल कितना गाढ़ा हुआ है इसका शोरबा। देखें, अच्छा खासा हो चुका है गाढ़ा। इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे क्योंकि पाए तो ज़्यादा गाढ़े अच्छे भी नहीं लगते। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, बस इसको हम 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि इसका ऑयल सब ऊपर आ जाए। ये आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं कि देखने में कितने मज़ेदार हैं। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।